डोडा तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस कंट्रोल रूम सूचना पर सुमेरपुर के आसपास गांव में 2 से 3 जगह कराई दूसरी नाकाबंदी, लगाए बैरिकेडिंग की नाकाबंदी। थिवांदी गांव के बीच पुलिस व तस्करों में हुई आमने सामने फायरिंग। पुलिस ने चलाए करीब 8 राउंड। तस्करों ने की पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग। तस्करों ने पुलिस की जीप पर चढ़ा दी अपनी गाड़ियां। कांस्टेबल देवकरण के भी हुए घायल। सुमेरपुर पुलिस थाने की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। तस्कर भागने में हुए कामयाब। तस्कर जालौर की तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पूरा मामला यह है कि मालवा उदयपुर से डोडा पोस्ट की आय होती है तस्करी, और तस्कर आए दिन सुमेरपुर के रास्ते गांव से होते हुए बाड़मेर की तरफ निकल जाते हैं। पुलिस को सूचना मिली कि डोडा पोस्ट की बड़ी खेप सुमेरपुर के रास्ते जा रही है, तो पाली एसपी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले भर में की नाकाबंदी। लेकिन पुलिस पर फायरिंग का तस्कर भागने में कामयाब हो गए। तखतगढ़ फालना सुमेरपुर पुलिस थानों का जस्ता अभी भी नाकाबंदी में लगा हुआ है, लेकिन तस्करों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो पुलिस पर फायरिंग में ये क्या पूरा मामला है? आज रात्रि को दोरा ने रात्रि गश्त के वक्त श्री मंगनाराम जी कांस्टेबल द्वारा बताया गया कि एक मुखबिर की विशेष इतला है, जिस पर श्रीमान थानाधिकारी महोदय को निवेदन किया गया और श्रीमान थानाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मन उपनिरीक्षक मय जाप्ता के द्वारा मैं हथियारबंद तरीके से उक्त जो इतला मापिक मिली उनके अनुसार 2 टीम बनाकर प्रथम टीम जिसके प्रभारी राम खिलाड़ी जी को मामूल कर नेत्रा के पास दौराने नाकाबंदी खड़ा कर खिवांदी से रोजड़ा जाने वाले स्थान पर गोलाई में एक ट्रैक्टर से रास्ता अवरुद्ध कर नाकाबंदी के दौरान वक्त 1:30 AM पर राम खिलाड़ी जी के वहां 2 स्कॉर्पियो जो नाकाबंदी प्रभारी मय जाप्ता द्वारा उनको रुकवाने का प्रयास किया गया, उसी दौरान उक्त स्कॉर्पियो में बैठे व्यक्तियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नाकाबंदी तोड़ करके खिवांदी की तरफ आने पर मन उपनिरीक्षक मय जाप्ता द्वारा भी उक्त स्कॉर्पियो को रुकवाने के पूर्ण प्रयास करते हुए जैसे ही स्कॉर्पियो दोनों ही ट्रैक्टर के पास आकर खड़ी हुई, हमने थाने के वाहन को पीछे लगा करके तुरंत ही उनको दस्तयाब करने का प्रयास किया, जिसके तहत कांस्टेबल देवकरण जो कि सालक के सीट के आगे के स्कॉर्पियो वाहन के साइड में बैठे व्यक्ति को पकड़ने के प्रयास करने लगा। तभी अंदर बैठे व्यक्ति ने अपने रिवॉल्वर से कांस्टेबल देवकरण के हाथ पर बट से दे मारी और उसी वक्त तुरंत मन उपनिरीक्षक मय जाप्ते को जान से खत्म करने की नींद से धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। तस्करों का कोई पता नहीं चला अभी तक। उसके पश्चात हमारे द्वारा जो नाकाबंदी टीम बनाई गई थी, प्रथम टीम व मुझ उपनिरीक्षक द्वारा व श्रीमान थानाधिकारी जी महोदय द्वारा, तीनों के द्वारा अलग अलग जगहों पर काफ़ी तलाश की गई, खिवांदी में, बांकली में, नेत्रा में, रोजड़ा में, सांडेराव की तरफ, लेकिन अभी तक कोई ज्ञातवानों का पता नहीं लगा। अभी भी जिले में नाकाबंदी का दौर चालू है? हाँ, अभी भी जिले में नाकाबंदी का दौर जारी है और थानाधिकारी जी महोदय अभी भी नाकाबंदी के दौरान ही पधारे हुए हैं।